उसके तहत वो हो जाएगा। उसके अलावा उसका ईपीएफ फंड में पैसा है वो उसको चला जाएगा। और एक हमारे डिप्टी सेफ्टी साहब आज बैठे थे, उन्होंने एक पेंशन और बता दी है कि ईएसआई और ईपीएफ के दोनों जोड़ के उसकी 15,000 रुपये एक पेंशन बना दी, 10,000 रुपये ईएसआई के अगेंस्ट और 5,000 रुपये ईपीएफ के अगेंस्ट बन जाएगी। ईपीएफ का जो उसका फंड जमा है वो अलग से मिल जाएगा। है उसके लिए बहुत सारा खेद है, लेकिन साथी वो था, हादसा था एक, वो चला गया। लेकिन जो उसके पीछे जो रह जाओ हैं, छोटे छोटे बच्चे थे उनके, 7 साल की गुड़िया थी और 5 साल का उनका बेटा था, और परिवार में उनके सर के तो पिता का साया भी नहीं था। तो हमें उनके बारे में सोचना था, उनके भविष्य के बारे में सोचना था कि कैसे अपना गुजारा करेंगे। उसके लिए हमने सभी ये साथी है इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ी, अपने गांव से भी आए हैं, बाहर से भी आए हैं, सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो जैसा कि चीफ साहब ने बताया, जो उचित मुआवजा था और नौकरी जो अपने नज़दीक में नौकरी उनको देने के लिए वो प्रावधान किया, पेंशन है एक अलग से, पेंशन के लिए 15,000 रुपये पेंशन उसका बनेगा। इसमें टोटल मिला के 35,000 का उसको बेनिफिट हो जाएगा, जो उसको रोजगार के थ्रू नौकरी मिलेगी उसकी 18 या 20 के आगे तनख्वाह वो बनती है, और 15,000 रुपये ये तो हाँ पेंशन बन जाएगी। तो टोटल सैलरी का उसका लगभग 35,000 के आसपास बन जाएगा। तो उसके हम वैसे तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमारा साथी जैसा उसका हमें खेद है, लेकिन परिवार की सहमति है इस पूरे निर्णय में, परिवार की सहमति के साथ हमें निर्णय लिया है। यूनियन ने पूरे अपना निर्णय परिवार की सहमति के साथ लिया है और अपने 11 सदस्यीय कार्यकारिणी की सहमति से लिया है। और जो इसमें आप सबका सहयोग था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया और आपके इस साथ से ही हम लड़ाई जीत पाए। यहाँ में हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एचपीसीएल के मोहम्मद साइन साहब हैं, आदरणीय साइन साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत इसमें दरिया दिखाया है। और ये जो नौकरी वाला था इसमें थोड़ी अड़चन भी थी और उन्होंने इसको भी खुले दिल से एक्सेप्ट किया, जैसे उनको बताया गया कि मतलब एक परिवार की जरूरत है और वो जो बच्ची है उसके पास 2 बच्चे हैं और परिवार में कोई सहारा नहीं है, उन्होंने एकदम से कहता हाँ कर दी, कहमान साहब कहते कह कोई बात नहीं। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एकदम से इस बात को एक्सेप्ट किया और उसको अप्रूव। बाकी ये प्रक्रिया थोड़ी आप सब जानते हो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये हो जाता है। आप सभी एकत्रित हुए, हमारे जो खाप प्रधान हैं, जो आस पड़ोस के सरपंच है और माननीय गण यहाँ पहुँचे, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से धरना चला। और जिस तरह चीफ साहब ने बताया कि 20 लाख रुपए मुआवजा राशि ईपीएफ ईएसआई के जो भी बेनिफिट है उसमें वो उसको अलग मिलेंगे, ईपीएफ में एक ईडीएलआई होती है उससे 4,87,000 रुपये और भी उसको मिलेगा, तो लगभग 25 लाख रुपये नगद ईपीएफ ईएसआई से पेंशन प्लस में नौकरी, ये सब कुछ अपने भाई के परिवार को मिलेगा। तो चीफ साहब ने संगठन का मान सम्मान रखा, जो हमारे पगड़ी वाले बूढ़े उनका मान सम्मान रखा, हम उनका धन्यवाद करा। और सारे साथियों से अपील है कि जिसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी करें, जो अपने भाई के अंतिम संस्कार में जाना चाहो अंतिम संस्कार में पहुँचे, और ये जो फैसला लिया गया है यो सारा फैसला भाई के परिवार की सहमति से लिया गया है, क्योंकि जब हमारे बैठे थे तो हमने यह कहा था कि जो परिवार का फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। धन्यवाद सर, बाकी आप सबको बहुत बहुत चलाने का थोड़ा सा हमें भी सहयोग करें, ये मेरी आप सबसे अपील है, क्योंकि अगर थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो मेरे प्लांट बच सकते हैं, नहीं तो बंद होने के द्वार पे हैं। ये ठीक है, ये आपका अपना ही प्लांट है,
क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ कि हम बाद में आप लोग पहले, आपका अपना प्लांट है इसको चलाने का। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत शांति बनाए रखी और बहुत साफ, और इसके साथ जो भी महानुभाव सरपंच साहब, एक्स सरपंच साहब और जितने भी साथी, उन्होंने बहुत सहयोग इसमें दिया। ये मैटर ऐसे होते हैं जी, इसको जल्दी से सुलझा लिया जाए, शांतिपूर्ण सुलझा जाए तो अच्छा रहता है और सबके हित में। उसके लिए फिर एक बात बोलो, मैं तो ये कहूँ कि मैं प्रबंधन ने मैंने ऊपर बात करी और सारे ने साथ दिया, तो पहली बात HDFC में खाता खुलाई हो, क्योंकि आज आप ये आड़े हाँ, कल लग परसों लग कुलदीप भी आड़े था, तो कम से कम जो 10-15 लाख का सारा मिलना बैंक की तरफ तय, जो सुविधा मिलनी है। और दूसरी बात है, जो साथी आड़े बैठे हैं इबनू ना सोचू ही बोड़ा, क्योंकि टेम भी शाम का होने लग रहा, दाग पर भी जाना है, कुलदीप का परिवार के सदस्य है, तो लंबी चौड़ी बात आप फिर करांगे संगठन की, जितने भी बूढ़े आए हैं या जो भी सामाजिक सदस्य हैं सबका धन्यवाद, और जितने भी CIS सबके साथी हैं, तड़के के अपना माले मार्गदर्शन कर रहे थे, व्यवस्था बनाने में भी सहयोग कर रहे थे। लेकिन अगली बात यह बताऊं, अरे मैनेजमेंट भी खड़ी है, आप भी हो, सारे काम करो, लापरवाही क्योंकि इसमें लापरवाही घटी तो सीधा आराम से कमेटी के हिसाब से आपका संगठन है लिखित में दिया करो, अखबार या तिजोरी है, क्योंकि एक एक आदमी बहुत प्यारा है, जिसका परिवार मत जावे नहीं उसे न बेरा पटे है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, ज्यादा लेट ना करते क्योंकि न जाना परिवार के सदस्य आड़।